तू कह रही थी ना कल तू बहुत हमाली का काम करती थी तेरी बात बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो तू बोल रही थी कि क्या क्या उठाती थी शरीर में सका तो इसलिए मैं कभी नहीं, कभी नहीं सोचा कि मैं लड़की हूँ तो मैं हल्का सा काम करूँगी, ऐसे नहीं, जैसे हम पहलवान हैं वैसे हम। पर तूने क्या गोनिया उठाती थी? हाँ, हम जब इमली के कारखाने में काम करते थे ना, तो वहाँ पे ना 30-40 किलो की बोरिया रहती थी, वो भी मैं उठा उठा के भागती थी तू। हाँ। तेरी क्या उम्र थी तब? जल्दी जल्दी करना पड़ता था ना वो काम, क्योंकि गाड़ी खाली करनी पड़ती थी ना, तो उसमें कभी कभी वो भरना भी पड़ता था, खाली भी करना पड़ता था। तो कह रही थी कि लड़कों से ज्यादा तेज भागती थी तू। तो वो लड़कों वाले काम किए मैंने, मशीन घुमाई है। कौन सी मशीन? इमली की जो पैकेट नहीं आते प्रेस होके, चिक्की कैसे होती है? हाँ। वैसे वो प्रेस होती थी, वो फिर ऊपर हाँ। से मशीन घुमानी पड़ती थी। हाँ। और वो डाई लगाते थे नीचे से, तो अच्छा। वो प्रेस होके बाहर आती थी जब हम प्रेस करते थे ऐसे। तो तूने वहाँ पे काम किया है? हाँ, वहाँ पे भी काम किया। माय गॉड, मुझे नहीं पता था। नहीं किया है, लड़कों वाले भी काम किए। पहलवान वाले अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो मैं जरूर पहलवान। पर वो नसीब में था आपकी मेड बनना, तो नसीब कुछ नहीं, नसीब बदलता भी है यार। अरे भाई, इतना अच्छा नसीब तो अच्छा हुआ ना। नहीं नहीं, अभी तू यहाँ पे तो मैं काम नहीं करूँ, वहाँ तो पिटती रहती, बस खाने पिटती रहती थी। कोई मारता था तुझे? अरे नहीं, मतलब पहलवान बनती तो मारने के काम। अच्छा, ये काम कब करती मैं? तो अच्छा है, ये काम ही अच्छा है, ठीक है। नहीं, अभी इससे भी बेहतर काम मिलेगा यार लाइफ में। क्यों? ये नहीं, इससे बेहतर क्या काम हो सकता है? अरे तू देखना ना। पर ये काम आपको हल्का लगता है? नहीं, हल्का नहीं, मतलब काम तो काफी है इसमें भी, लेकिन काफी नहीं, पर ये भी अच्छा काम है। हाँ, आई एम ग्लैड यू थिंक सो। बुराई नहीं है? नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन अगर कुछ, मतलब मैं नहीं चाहती कि तू छोड़ के जाए, ऑब्वियसली। आपको क्या लगता है आप में वो छोड़ना चाहे, फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा? अरे वाह, अजीब बात, नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे तो लगता है तू कहीं पर, मतलब तू कलेक्टर भी बन सकती है कहीं। फिर भी मैं मेरी मैडम को नहीं छोड़ूंगी। अरे यार, लेकिन यहाँ से तो मेरी शुरुआत हुई है, तो मैं हाँ, तो शुरुआत है ना, ये शुरुआत है, तो फिर वो ऐसा थोड़ी की शुरुआत यहाँ से हुई है, तुम आगे जाता तो आपको भूल जाओ, आपको छोड़ जाओ, नामुमकिन। ये हो नहीं सकता, उल्टा मैं आपको बोलती कि आप मुझे मत छोड़ना। मैं क्यों छोड़ूंगी भाग्यश्री? बोल रही हूँ, एक बार तो तू ऑलरेडी जाकर और दरवाजे से वापस आई है। याद है मैं गई, मैंने कहा कहाँ जा रही है? वापस आ। आपने बोला था, चप्पल फेंकी थी, दरवाजा खोल नहीं रहा थी, इधर आ। क्या हुआ? फिर मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी थी और हमने बात की थी। हाँ, पूछा क्या हुआ भाग्यश्री, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो पहले तो भाग्यश्री रोना शुरू जैसे बाढ़ आई थी। हाँ, फिर हमने समझा था कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। आपने पूछा तो फिर मैंने आपको बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है करते, तो बुझा के क्योंकि इसमें आपकी भी गलती नहीं, जब तक हम खुलकर आपको हमारे प्रॉब्लम नहीं समझाएं तो आपको भी कैसे समझेगा, ये बात होती है ना। तो जब मैंने आपको खुलकर मेरे प्रॉब्लम बोले तब तो आपने मुझे समझा, फिर बात बहुत, मतलब ये करने लगे तो फिर धीरे धीरे फर्क आया ना। क्योंकि आपको भी नहीं पता था, अगर आपको स्टार्ट से ही पता होता तो नौबत नहीं आती। अब कुछ गलतियां मेरे से भी हुई, इतनी सारी मैं छुट्टियां लेती थी कभी। हाँ। मतलब मेरा हिसाब ही नहीं था छुट्टी लेने का, पर तेरी वजह थी ये तो ठीक है यार। अभी हाँ, जैसे मैं छुट्टी ले, पर आपको नहीं पता थी ना वो। हाँ, जाहिर सी बात है, आपको तो बुरा ही लगेगा, गुस्सा ही आएगा। मैं सोचती थी एक दिन बोलती है और 10 दिन के लिए गायब हो जाती है। एक दिन में गाँव भी लेके गई थी, तो गाँव से आई थी लौट के, आप बोले कि नहीं लगा, तो वो नेहा को लगाया था। हाँ, हाँ, तो हाँ, फिर भी आप क्या बोले कि तुझे दूसरी जगह काम लगने तक एक महीना कर ले, तो मेरा भी देखो एक महीना हो गया, मैं आपसे पूछने मैडम एक महीना हो गया, जाओ काम मिल गया? नहीं मिल गया, तो रे और एक महीना, और एक महीना रहे, और एक महीना करके करके वो नेहा ही मांग गई। अरे मैं बोले चल मेरी लॉक लग गई।
मैडम को तो उस टाइम ही निकालते निकालेंगे। तू तू यहाँ फिक्स है, यहाँ पे मेरी परमानेंट जॉब फिक्स है, जैसे पीएमसी में फिक्स है। ऐसी मेरी शुरुआत है और यहाँ पे तो मेरी बहुत अच्छी अच्छी यादें, बुरी यादें कम है, अच्छी यादें ज्यादा है। अभी लॉकडाउन के बाद तू जाएगी ना अपने गाँव? लॉकडाउन मतलब जब सेफ हो जाएगा ना, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे मत भाग जाना। नहीं नहीं पूरी तरह से सेफ होगा ना तब जाऊंगी मैं, भले और एक साल लग जाए। हाँ फिर क्या करेंगे, बोल ही नहीं सकती क्योंकि हमारी मुंबई में ज्यादा बढ़ गया और ये काम हो रहा है। नहीं नहीं ट्रैवलिंग बहुत डेंजरस है, अभी रिक्स ही नहीं उठा रहे। जब बिल्कुल सेफ होगा तभी उनको बीमारी लेके जाऊँ। हाँ ये भी बात है, मुंबई से बीमारियां ज्यादा बाहर जा रही है। यहाँ से हम बात करके वीडियो कॉल करके भी देख रहे हैं ना, तो बस हो गया। उसमें आपने मोबाइल लेके दिया, आया तेरी मम्मी के पास है ना जी, जी के पास है ना, तो हम उनके मोबाइल पे करती थी, फिर मम्मा उससे बात। तो अब तू कितने बजे सोती है सुबेरे? 3 बजे 2 बजे क्या 4 बजे 5 बजे जब नया आया तो उसे 5 बजे सोई थी। और फिर पेशों की तो 6 बजे कानून सॉरी ओ हम लोग चिल्लाते हैं तो सर आके डांट रहे। मैं काम कर रहा हूँ। आयुष्मान था या सर थे? सर थे, सर थे, सर काम कर रहे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम कर रहे। अच्छा हुआ ज्यादा आवाज नहीं। चल तो मेरा तो भुर्ता ही बन रहा था, मैं अभी भाग रही हूँ। सर सीरियस जाएंगे नहीं तो।